वाओ, एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग एंड सिंगिंग एज वेल. फरियाल महमूद इज डेफिनेटली अ सुपर टैलेंटेड पर्सन. जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन के साथ. ही इज द फेमस डायरेक्टर ऑफ द फेमस मूवी सुपरस्टार, एंड वी आर इन टॉक्स टॉकिंग अबाउट टीवी इंडस्ट्री एंड द ड्रामा इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. सो उडारी वॉज ऑन चाइल्ड अब्यूज, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आप कह लें. तो कैसा रहा ऑडियंस का रिस्पॉन्स, एंड ऐसा आइडिया आना और उसको पूरा डायरेक्ट करना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, ये ब्रेन चाइल्ड था उडारी, अगेन मोमिना और रुशान जफर जो कश फाउंडेशन की हेड है, वो चाहती थी कि इसके ऊपर प्ले बने और उन्हीं की सपोर्ट से ये प्ले बना. तो मोमिना और फरहत ने ये एक्चुअली इसको लिखना शुरू किया था. दोनों ने आइडिया, मोमिना ने जनरेट किया फरहत के साथ, और फिर उसके बाद वो, चूँकि हर जो भी स्टोरी लिखी जाती है उसमें मोमिना की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होती है, क्योंकि वो बैठती हैं तमाम राइटर्स के साथ कि किस तरह से चीज़ होगी. तो फरहत ने उसको जब लिखा तो मुझे उन्होंने कहा कि हम ऐसा प्ले करना चाह रहे. उसी ज़माने में कसूर में वो इंसिडेंट हुआ था जिसमें बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो वो सवार था. और मुझे यानी इस उडारी की यानी ऑफ़र से पहले ही मेरे जहन में ये चीज़ चल रही थी कि कोई ना कोई इस सब्जेक्ट के ऊपर हम क्यों नहीं करते हैं प्ले, ऐसा ख्याल आया था. जब ये ऑफ़र हुआ तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर करूँगा. और चैलेंज था एज ए प्रोड्यूसर मोमना के लिए, चैलेंज था एज ए राइटर फरहत के लिए, चैलेंज था जो यानी चैनल के लिए. सबसे बड़ी बात यह कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था. तो मैं सल्यूट करता हूँ सुल्ताना सिद्दीकी को कि उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया कि ये प्ले को जो है वो फॉरवर्ड पुश किया, बिल्कुल पुश किया उसको. वो हम लेकर आए और उसके साथ शुरू में ही ऐसा हुआ कि कुछ आवाज़ें उठीं इसके ख़िलाफ़, और पैमरा ने एक एक्शन लिया कि इसको जैसे बैन कर रहे हैं, या उन्होंने उसका इसके ताल्लुक से बात की, जिस पे लोगों ने इसे सपोर्ट किया और वापस पैमरा को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा. तो मैं समझता हूँ लोग चाहते हैं कि वो इस ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया जाए. और जब वो उडारी चला तो उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि उसके बाद लाइन लग गई, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के टैबू जो उसको टच करना शुरू किया, और बहुत खूबसूरती से उन लोगों ने भी. एंड आई थिंक दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ज़रूरत है ऐसे मटेरियल की. बिल्कुल. सो ऑन द अदर हैंड, आंगन जो आपका ड्रामा था वो एक, इट वाज वेरी डिफरेंट के पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो उस लिहाज से आपको कोई मुश्किल पेश आई टू एक्चुअली मेक दिस इंटायर ड्रामा इन दिस एरा? तो एक डिफरेंट मूड क्रिएट करना, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें? कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज तो बहुत आती हैं जब आप पीरियड पीस कर रहे होते हो. कोई वजह उसकी है कि ज़िंदगी तो चली जा रही है और वो आगे बढ़ती जा रही है. तो अगर आप कहे कोई कि आप पीछे ज़माने में चले जाएं, तो फिर आपको बहुत एहतियात से सारी चीज़ें देखनी होती हैं. उसमें काफ़ी रिसर्च इन्वॉल्व होती है. बिल्कुल. उसमें मेहनतें इसलिए इन्वॉल्व होती हैं कि आपको वैसी जगहें तलाश करनी है जहाँ वक्त शायद कहीं रुका हुआ. बिल्कुल. क्योंकि उमन जब हम बाहर की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, या दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ इतना पैसा है कि वो रिक्रिएट कर लेते हैं. अब हमारे पास जो है वो हम इतने चूँकि लिमिटेड बजट के साथ भी, और प्लस ज़ाहिर है इकॉनमी की भी एक होती है, तो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की बहुत बिग बजट चीज़ें जो जिसमें रिक्रिएशन. तो वो फिर उन जगहों की तरफ जाना और फिर वहाँ तलाश करना, कहानी से मिलती जुलती आपको कोई जगह मिल जाए, फिर उनकी सेटिंग, उनकी आर्ट डायरेक्शन, वार्डरोब, आप पीछे ले गए सब, और भी एक फ्रेम भी ऐसा ना हो पूरे प्ले में जिसमें कहीं कोई आपको टेलीफोन नज़र आ जाए, मोबाइल नज़र आ जाए, या बिजली की चीज़ें नज़र आ जाएँ जो आगे की चीज़ें. ठीक है. एंड योर अदर ड्रामा विद द पार्टीशन स्टोरीज, तो ऐसी कोई वजह थी कि आपने पार्टीशन की स्टोरीज पे ही फोकस किया? इंस्पिरेशन क्या थी टू राइट दी स्टोरीज? देखिए, जिस ज़माने में हम बड़े हो रहे थे ना, हमने उन लोगों को देखा जो हिजरत करके यहाँ आए थे, और हमने वो कॉलोनियाँ बसती हुई देखी जिसमें लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह आके बसते हैं. और हमने उन लोगों को देखा जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, और उनसे बातें सुनी. मेरे खुद नाना अब्दुल रहीम फजल गुलबर्गी भी, वो ख़ुद भी पार्टीशन तहरीक का हिस्सा रहे, उसके बाद जब वो पाकिस्तान बन रहा था तो वो यहाँ आ गए थे. तो उनसे हम सुनते रहे
वो सारी चीज़ें हमारे सामने हुई, तो वो अंदाज़ा हुआ कि हिजरत कोई आसान चीज़ नहीं. ऑफ कोर्स. और ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, अभी तक इतनी बड़ी हिजरत नहीं हुई. बिगेस्ट इमिग्रेशन. तो मुझे लगता था कि इसमें कहानियाँ जो मैं पढ़ता रहा, मंटो को पढ़ा, अहमद अशरफ को पढ़ा और सबकॉन्टिनेंट के बड़े दूसरे राइटर्स को पढ़ता, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे पार्टीशन सबके लिए एक बड़ी अहम चीज़. इट हैज बिल्ड जनरेशंस. बिल्कुल. और मुतासर किया उसने, आगे की चीज़ों को भी मुतासर किया. इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा था. तो हमने एक इदारा बनाया था बियॉन्ड बॉर्डर्स, खालिद अहमद उसे हेड करते थे और मैं वहाँ पे प्रोडक्शन भी देखता था, कंटेंट भी देखता था और डायरेक्ट भी करता था. तो हमने छोटी छोटी चीज़ें हमने सोची थी कि हमने कुछ ऐसे काम करना है टेलीविज़न के लिए जिसमें हम कुछ कह सकें ज़्यादा, जैसे लिटरेरी जो इंस्पायर्ड स्टोरीज़ जो हैं वो हमने देनी है, क्योंकि वो लोगों के अंदर रीडिंग कल्चर एक तो ख़त्म हो गया, तो वो जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनको कम अज़ कम उस राइटर की अगर कोई हम एक फिल्म दिखा देंगे, कोई चीज़ दिखा देंगे, वो देख के एटलीस्ट कहीं उस राइटर की तरफ चले जाएँ और कहें कि इस इनका कोई और काम हमें पढ़ना चाहिए. तो हम उस पर काम कर रहे थे और हमने तजुर्बे किए. जैसे मैंने शुरू में बहुत सारे ऐसे, जैसे ओ हेनरी को मैंने लिखा भी और मैंने उसको डायरेक्ट भी किया. वो मैंने हम टीवी के पहली एक सीरीज़ थी चल चला चल, उसमें एक मैंने प्ले किया था. उसके बाद मैंने गार्सिया मार्केस को स्टोरी पे काम किया. तो पार्टीशन स्टोरी भी उसी तरह का एक काम था जिसमें हमने अनबायस राइटर्स को जिन्होंने अपने मज़हब को कहीं साइड पर रखा और इंसानियत को देखते हुए, अगर वो हिंदू राइटर्स हैं तो उन्होंने अनबायस होकर पार्टीशन को देखा और कुछ लिखा, और जो मुस्लिम राइटर्स हैं उन्होंने अनबायस होकर पार्टीशन को देखा और इंसानियत के बारे में कुछ लिखा. तो हमने वो स्टोरीज ली जो बैलेंस थी और उनके ऊपर हमने ये स्टोरीज बनाई पार्टीशन स्टोरीज के नाम से. चलें, दैट्स ग्रेट टू हियर. चलें दोस्तों, अब वक्त आ गया हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का. मैं आपको लेके जाऊंगी हम टीवी पर जारी सोप के BTS पे, जिसका नाम है सोया मेरा नसीब. इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ एंड हाउ दोज इंसिडेंट्स चेंज अ पर्सन. सो लेट्स गो ऑन टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, BTS विद काओ पेज. इसमें मेरा कैरेक्टर है बहुत ही कोई मासूम सी शरीफ सी लड़की है, लेकिन खुद एतमाद है और किसी से डरती नहीं है, अपने हक के लिए बोलती है. बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है जो एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम है महा, और उस महा को मोहब्बत करता है मुनीर जो कि मैं प्ले कर रहा हूँ. उसको प्यार से मन्नू कहते हैं. मतलब हम लोग वेट करते हैं कि स्पेल कब शुरू होगा. मैं अच्छी खासी जो हूँ वो रूड हूँ इतनी ज़्यादा खुश अखलाक नहीं हूँ, मगर इस सेट पे आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ. सबसे दोस्ती कम अरसे में बहुत ज़्यादा हो गई है, काम करने में मज़ा आता है और सब बहुत पॉजिटिव है. बिल्कुल, डायरेक्टर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही कोई हम मज़े से यहाँ शूट कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चल रहा था कि हम आर्टिस्ट हैं या वो हमारे डायरेक्टर हैं, और बहुत ही एंजॉय करके हम लोग काम करते हैं. काफ़ी इश्यूज हैं जो हाईलाइट हुए हैं, जैसे कि एक आम इंसान जो अच्छे बैकग्राउंड से ना हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो, अगर वो अपने ख्वाबों पे यकीन रखता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है और फोकस रहता है, तो वो ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहे वो हासिल कर सकता है. मेरे ख्याल में हम जब भी किसी किरदार को लेकर चलते हैं तो नेगेटिविटी प्रमोट करना तो मैं से नहीं कहूँगी, अगर एंड किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर का पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिविटी की आप हार दिखा दें तो उसे नेगेटिविटी प्रमोट करना नहीं कहेंगे, उसे नेगेटिविटी का असल चेहरा दिखाना है. तो मेरे ख्याल में इसमें नेगेटिविटी का असल चेहरा तो दिखाया गया है, एंड ये मेरे ख्याल में कतई तौर पर प्रमोशन नहीं होगी नेगेटिविटी की. बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री है. देखें, जब टेलीविजन प्ले होता है
तो उसमें राइटर ने जो सोचा उसने लिख के दे दिया। डायरेक्टर थ्रू आर्टिस्ट वो मैसेज कन्वे करता है, और अगर वो उनको कंफर्टेबल नहीं रखता या उस लिखे हुए को वो समझता नहीं है, अपने तौर पे महसूस नहीं करता, तो वो देखने वाले को भी महसूस नहीं करवा सकता।